हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। हमने इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना है। और हमने अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आप बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू हेवनली फादर फॉर द स्क्रिप्चर्स बाय विच यू लीड एंड गाइड मी into the destiny you planned for me. I live confidently and joyfully every day, knowing you are with me, in me, and for me. As I give more attention to the scriptures through the Spirit, the eyes of my understanding are continually enlightened to walk in your preordained paths for me in victory and extraordinary success. In Jesus' name, Amen. धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे वचनों के लिए जिसके द्वारा मुझे अगवाई और मार्गदर्शन मेरे मंजिल में पहुंचने के लिए मिलता है, जो तूने मेरे लिए नियोजित कर रखी है। मैं आत्मविश्वास और बड़े आनंद के साथ जीता हूँ हर एक दिन, जानते हुए तू मेरे साथ है, मुझ में है और मेरे लिए है। जैसे ही मैं अपना ध्यान ज़्यादा लगाता हूँ वचनों में तेरे आत्मा के द्वारा, तब मेरी आँखें, समझ की आँखें निरंतर उज्ज्वलित होने लगती है कि मैं तूने ठहराए हुए पथ पर चलता जाऊं, जो मेरे लिए तूने ठहराई हुई पथ है जीत में और असाधारण सफलताओं में। यीशु के नाम में आमेन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, मैथ्यू 22 चैप्टर 29 वर्स, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 और 20 वर्स से लेकर 22 वर्स तक, NASB वर्शन में से ये वाला वचन पढ़ना है। और हिंदी में जब पढ़ेंगे सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 29 वचन और नीति वचन 4 अध्याय 20 वचन से 22 वचन तक। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में, और एक वचन जो नीति वचन है 4 अध्याय 20 वचन से 22 वचन, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 से 22, वो NASB वर्शन में से खास पढ़ने के लिए दिया है, हम उसमें से पढ़ेंगे। मैथ्यू 22 अध्याय उसका 29 वचन, जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू देम, ये डू एयर नॉट नोविंग द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। मैथ्यू 22 वचन, 22 अध्याय का 29 वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते,
इस कारण भूल में पड़े हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 से लेकर 22 वर्स तक हम NASB वर्शन में से पढ़ने जा रहे हैं। माय सन, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, इंक्लाइन योर ईयर टू माय सेइंग्स, दे आर नॉट टू एस्केप फ्रॉम योर साइट, कीप देम इन द मिडस्ट ऑफ योर हार्ट, फॉर दे आर लाइफ टू दोस हु फाइंड देम एंड हीलिंग टू ऑल देयर बॉडी। थैंक यू जीसस। नीति वचन 4 अध्याय का 20 से 22 वचन तक पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है।